जिससे आप प्यार करते थे, बहुत सालों बाद आपके सामने आया। अपनी फीलिंग्स को अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये चीज आपको बर्बाद कर कर छोड़ सकती है। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी डिस्क्लोजर 1994 की इसी कंसेप्ट पर बेस्ड मूवी है। ये एक मिस्ट्री है, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है टॉम, इसे हम उसकी वाइफ और बेटी के साथ देख सकते हैं। आज टॉम के लिए एक बड़ा दिन है क्योंकि आज उसे प्रमोशन मिलने वाला है। उसने अपने सेक्रेटरी को कॉल लगाया तो उसे पता चला कि आज सुबह सुबह ही उसका बॉस उसे मिलने के लिए उसके ऑफिस में आया था। टॉम वरीड था कि बॉस आए क्यों थे। हम जाते वक्त टॉम अपनी वाइफ से कहता है कि अगर मुझे प्रमोशन मिल गया तो हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। उसकी वाइफ कहती है कि हम ऑलरेडी अमीर हैं, वैसे हमें ज्यादा अमीर होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए। टॉम रोज शिप से काम पर जाता है तो वहां उसने एक फ्रेंड बना लिया है। ये दोनों आज जब बात कर रहे थे तो उसका फ्रेंड कहता है कि एक दिन मुझे अचानक से जॉब से निकाल दिया था। वो IBM में काम करता था, उसे अच्छी खासी सैलरी थी। आजकल हमें कब रिप्लेस कर देंगे इसका कोई भी भरोसा नहीं है। टॉम ने उसकी हेल्प करने के लिए उसे एक नंबर दिया जहाँ पर वो इंटरव्यू दे सकता है। टॉम एक कंप्यूटर्स की कंपनी में काम करता है, वहां पर वो अलग अलग एक्सेसरीज वगैरह बनाते हैं। उन्होंने अभी अभी एक CD प्लेयर बनाया है, उसको लॉन्चिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉम को पता चला कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। इस प्लेयर की मैन्युफैक्चरिंग मलेशिया में होती है तो वहाँ की इंचार्ज से टॉम बात करता है। रैम का स्पीड बहुत ही कम हो चुका था जो एक बड़ी प्रॉब्लम है। टॉम को एक कलीग मिला जो उसे कहता है इस चीज को ज्यादा सीरियसली मत लेना। टॉम को कुछ भी पता नहीं था तो उसे पूछता है कि मुझे सच सच बताओ हुआ क्या है। आज मॉर्निंग में बॉस भी मुझे मिलने के लिए आए थे। वो उसे बताता है कि तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलने वाला, उनके डिपार्टमेंट के बाहर से किसी को प्रमोशन मिलने वाला है। टॉम बहुत ही वरीड हो जाता है, उसे पूछता है कि मेरी जॉब रहेगी। उसके कलीग को इसके बारे में पता नहीं। टॉम और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। ये जो सब हुआ, टॉम का कलीग से मिलना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। टॉम का बॉस जिसका नाम है ग्रेविन का टॉम को बताने का ही प्लान था। इस सब के बारे में बात करने के लिए टॉम जब अपने बॉस ग्रेविन के पास गया तो वहां उसे मेरेडिथ दिखती है। मेरेडिथ और टॉम, इन दोनों में पहले रिलेशनशिप हुआ करते थे। बॉस ने जब इसके बारे में पूछा, मेरेडिथ कहती है कि टॉम ने मेरा दिल तोड़ा था। यहाँ पर जो भी सब सिचुएशन थी, इससे टॉम को पता चल गया कि मेरेडिथ अब उसकी बॉस बनेगी। टॉम जब अपनी टीम के साथ था तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। वो कहता है कि मेरेडिथ को कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, पर फिर भी उसे मेरा बॉस बना दिया। बाकी टीम भी वरीड थी, वो कहते हैं कि हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। टॉम फिर उन्हें बता देता है कि उसके साथ रिलेशनशिप में हुआ करता था। इस बार टॉम के कलीग उसका मजा लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑफिशियली अब प्रमोशन किसका होगा, इसके अनाउंसमेंट की जा रही थी। टॉम के पास उसकी कलीग आकर बैठे जिसका नाम है स्टेफनी। इस प्रमोशन को लेकर टॉम और स्टेफनी ये दोनों कॉम्पिटिशन में थे और इन दोनों का जॉब अगर मेरेडिथ लेकर गई। इन दोनों ने जब बात की तब टॉम को पता चला कि स्टेफनी को मेरेडिथ के बारे में बहुत पहले से पता था। बॉस अपनी स्पीच में कहता है कि इस कंपनी को सही से रन करने के लिए हमेशा से उसे एक फीमेल कैंडिडेट चाहिए थी। उसका सपना था कि उसकी बेटी ये कंपनी चलाए, पर उसकी बेटी बचपन में ही गुजर गई थी। मेरेडिथ को वो अपनी बेटी की तरह मानता है। इसके बाद प्रमोशन की पार्टी में मेरेडिथ टॉम के पास आती है। उसे कहती है कि आज दिन भर में बिजी हूँ, 7 बजे के बाद मेरे ऑफिस में तुम आ जाना। नेक्स्ट दिन में टॉम ओवरसीज के प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर रहा था। मैनेजर को डिज्नीलैंड जाना है तो इसके टिकट्स टॉम ने उसे भेजे हैं। टॉम हमेशा अपने सब कलीग्स का ख्याल रखता है। अचानक से उसे एक ईमेल आया जिसमें लिखा था कि मेरेडिथ को देखकर तुम एक्साइटेड हो। टॉम ने चेक किया कि ईमेल किसका है, पर एक अनोनिमस ईमेल था। 7 बजे टॉम मेरेडिथ के पास पहुंचा। मेरेडिथ ने टॉम के लिए एक स्पेशल वाइन मंगवाई थी जो उसे पसंद है। टॉम बिजनेस को लेकर सब कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। मेरेडिथ कहती है तुम्हारी फैमिली की मुझे फोटो दिखाओ। उसने टॉम की वाइफ को देखा, कहती है वो बहुत ही केयरिंग लगती है, ब्यूटीफुल भी है, पर हम दोनों में जो था शायद उसके साथ तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। हम एक साथ थे तो हमें पैशन था, कहीं भी कभी भी इंटीमेट हो जाते थे। टॉम कहता है कि लाइफ एक समझौता ही होता है, मेरे पास अब फैमिली है, उन सब चीजों के लिए मैं फैमिली को बर्बाद नहीं कर सकता। मेरेडिथ भी ये बात समझ जाती है। फिर से टॉम बिजनेस के बारे में बात करना स्टार्ट करता है। मेरेडिथ कहती है फर्स्ट मेरे शोल्डर रब करो, इसके बाद हम बिजनेस की बातें करेंगे। टॉम कहता है कि हम जो प्लेयर बेचने वाले हैं इसमें एक सीरियस प्रॉब्लम आ चुका है। उनकी कंपनी एक बड़ी कंपनी के साथ ज्वाइन होने वाली है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता
तो ये ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आएगी। मेरिडिथ उससे कहती है उन्हें इसके बारे में कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। ये जो दो कंपनीज का मर्जर हो रहा है ये लोगों के बीच में होता है, ये टेक्नोलॉजी वगैरह इन सब बातों का कोई भी मीनिंग नहीं है। ये जब बात ही कर रहे थे तभी मेरिडिथ को कॉल आया, तो टॉम भी अपने एक कलीग को कॉल लगा लेता है। उसे डिस्कस कर ही रहा था तभी मेरिडिथ ने उसे पीछे से पकड़ लिया। वो उसे किस करने लगती है। वो कहती है इतने सालों बाद भी तुम थोड़े भी नहीं बदले, मैं उस टाइम किसी को भी चूज कर सकती थी पर मैंने तुम्हें चुना था। उसने उसे कहा कि हम हमारी रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकते हैं पर किसी को भी पता नहीं चलेगा। वो उसे रब कर रही थी तो टॉम भी एक्साइटेड हो गया। वो उसके साथ इंटीमेट होने ही वाला था पर मिरर में उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा। उसने रियलाइज किया कि जो भी वो कर रहा है ये बहुत गलत है, वो अपनी वाइफ को चीट नहीं कर सकता। तो मेरिडिथ को छोड़कर वहां से वो जाने लगता है। मेरिडिथ इस पर बहुत गुस्सा होके कहती है तुम ऐसे नहीं जा सकते, पर टॉम मानने नहीं वाला था। वो बाहर आकर उसे धमकी देती है, कहती है तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगी। टॉम फिर घर आकर शॉवर ले रहा था, उसे पता चला कि मेरिडिथ के नाखूनों की वजह से उसके चेस्ट पर एक वुंड है। वो अपनी वाइफ से छुपा लेता है। उसकी वाइफ कहती है मुझे मेरिडिथ का कॉल आया था। ये सुनकर वो घबरा गया। ये कॉल मेरिडिथ ने टॉम को एक मीटिंग के बारे में बताने के लिए किया था। अगले दिन मीटिंग में आने के लिए टॉम लेट हो गया क्योंकि मेरिडिथ ने उसे गलत टाइम बताया हुआ था। टॉम का कलीग इसके बारे में उसे पूछता है तो टॉम कहता है कि मैंने तुम्हें तो मैसेज दिया था पर कलीग को एक भी मैसेज मिला नहीं है। मीटिंग में टॉम को ड्राइव्स के बारे में पूछा जाता है। वो सच सच बता देता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आया तो एक साल तक लेट हो सकता है। मेरिडिथ ने उससे कहा था कि मर्जर लोगों के बीच में है। यही बात वो इस मीटिंग में कहता है तो उसे बहुत डांटा जाता है। यहाँ पर मेरिडिथ ने उसे सेटअप किया था। इसके बाद टॉम का कलीग जिसका नाम है फिलिप ये टॉम से मिलने के लिए आया। वो उसे कहता है कि कल जो भी हुआ था मेरिडिथ इस सब को इस ऑफिस में डील करना चाहती है। टॉम पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। फिलिप कहता है कि मेरिडिथ ने हमसे कहा कि तुमने उसे सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की। टॉम कहता है कि ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, जो हुआ था ये सब उसने फिलिप को कहा। फिलिप इस पर हंस देता है क्योंकि उसे लगता है कि मेरिडिथ टॉम को हरास करे ये पॉसिबल नहीं है। टॉम ने अपने चेस के निशान दिखाया तो फिलिप कहता है इससे तो लग रहा है कि वो तुम्हें अपोज करने की कोशिश कर रही थी। फिलिप उससे कहता है कि तुम्हें एक चांस मिल रहा है, मेरिडिथ कोई भी चार्जेस प्रेस नहीं करने वाली, इसके बदले में टॉम को एक नई ब्रांच में शिफ्ट होना पड़ेगा। टॉम की एक अलग ब्रांच में जाना ये उसके करियर की सुसाइड है, इसके लिए वो नहीं मानता। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉस और फिलिप में डिस्कशन हो रहा था। फिलिप ने उसे बताया कि टॉम मान नहीं रहा। बॉस कहते हैं कि हमारी कंपनी की और एक नई कंपनी की डील चल रही है, अगर मेरिडिथ ने कोई भी चार्जेस प्रेस किए तो शायद ये डील खत्म हो जाएगी, ये चांस वो नहीं ले सकते, तो इसी वजह से टॉम को उन्हें अब समझाना पड़ेगा, ये मैटर कंपनी के अंदर ही दबाना पड़ेगा। टॉम को फिर से अनोनिमस एक ईमेल आया, इसमें स्कैंडल के बारे में लिखा हुआ था। इसके बारे में उसने सर्च किया, उसे पता चला सेक्सुअल हरासमेंट की वजह से लोगों का पूरा करियर बर्बाद हो जाता है, अगर ये टॉम के साथ हुआ तो फिर से उसे जॉब भी नहीं मिलेगी। ईमेल में एक लॉयर का भी नाम था जहां पर टॉम फिर पहुंच जाता है। इन सब के बारे में टॉम ने लॉयर को बताया और बताते वक्त वो जरा अनकंफर्टेबल था। उसकी लॉयर कहती है अगर तुमने केस लड़ा तो एक बड़ी गेम की तरह होगा, तुम्हें हर चीज के लिए रेडी होना पड़ेगा। टॉम ने अपनी वाइफ को नहीं बताया तो ये भी उसे करना पड़ेगा। लॉयर के पास से जाते जाते टॉम को एक बात याद आई, फिलिप ने उसे कहा था इसे जल्दी से जल्दी सेटल करना पड़ेगा। वो फिर से लॉयर के पास आता है, कहता है कंपनी किसी बात को डर रही है, हमारा एक बड़ी कंपनी के साथ मर्जर होने वाला है, अगर ये बात बाहर पड़ी तो उन्हें प्रॉब्लम आएगा, इसी वजह से वो इस बात को सेटल करना चाहते थे, अब इस चीज को अपने एडवांटेज के लिए वो यूज करने वाले है। अब टॉम जब इस केस को लड़ना चाहता है तो बॉस मेरिडिथ और फिलिप इन सब में डिस्कशन होता है। बॉस बहुत ही डर चुका था क्योंकि ये डील उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरिडिथ बॉस से कहती है कि टॉम ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, वो डरता है उसके सब सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे। उसने अभी तक अपनी वाइफ को भी बताया नहीं होगा ये कुछ भी हो, पर फिर भी बॉस को जल्द से जल्द इन सब चीजों से बाहर निकलना है। टॉम जब ऑफिस में था तो उसके ड्राइव को लेकर जो भी प्रॉब्लम चल रहा था इस पर रिसर्च होता है। उसकी टीम उसे बताती है कि हमने जो प्रोटोटाइप क्रिएट किए थे वो सही से चल रहे थे, मैन्युफैक्चर करके जो सैंपल आए इसमें चिप का प्रॉब्लम हो चुका है, कुछ भी सही से इसमें काम नहीं किया गया। टॉम को फिर उसके बॉस का कॉल आया, वो कहती है कंपनी तुम्हारे साथ डील करने के लिए रेडी है। फिर से उसे एक मेल आता है जिसमें लिखा है कि वो एक पीक है। इसका पता निकालने के लिए टॉम ने सर्वर चेक किए, उसे पता चला कि उसके सब एक्सेस चले जा चुके हैं।
अब उसे कंपनी से निकालने वाले हैं तो उसका सब एक्सेस जा रहा है। इवनिंग में टॉम अपनी वाइफ को लेकर अपने एक फ्रेंड के साथ डिनर पर आया हुआ था। यह फ्रेंड भी उसी की कंपनी में काम करता है। उसका फ्रेंड उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था तो कहता है कि अपनी वाइफ को सब कुछ तुम सच बता दो। टॉम को लगा कि उसके फ्रेंड को भी बॉस ने बताया, इसी वजह से यह सब वो कह रहा है। उसका फ्रेंड कहता है कंपनी में मेरे भी पैसे लगे हुए हैं, अगर तुमने इस सिचुएशन को सही से हैंडल नहीं किया तो मैं सब कुछ खो सकता हूँ। टॉम के फ्रेंड ने सब कुछ चीज़ें टॉम की वाइफ सुजैन को बता दी। सुजैन प्रिटेंड करती है कि उसे सब कुछ ऑलरेडी मालूम था। वो उसके फ्रेंड के सामने कुछ भी तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी। डिनर जब खत्म हुआ तो टॉम उसे सब कुछ समझाता है। बहुत ही डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो कहती है तुम जो मुझे बता रहे हो अगर वो सच भी है पर फिर भी कुछ ना कुछ तो हुआ है, तुम उसके बारे में मुझे बता नहीं रहे। टॉम कहता है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। सुजैन भी एक लॉयर है तो कल सेटलमेंट होने वाली है तो वहां पर वो भी आएगी। वो टॉम को कहती है कल जाओ और माफी मांग लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टॉम को मंजूर नहीं था। वो कहता है कि जो चीज मैंने की ही नहीं उसके लिए मैं क्यों सॉरी बोलूंगा। इस बात को लेकर इनमें बहुत डिस्कशन हुई। नेक्स्ट डे की मीटिंग में टॉम जो भी हुआ था ये सब चीजें बता देता है। वो कहता है कि जब मैं मेरेडिथ को छोड़कर जाने लग गया तो उसने मुझे धमकी दी, कहा कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। इस मीटिंग में मेरेडिथ का लॉयर भी था। वो कहता है कि तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला तो तुम बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। तुमने अपने कलीग को भी बताया था कि तुम मेरेडिथ के साथ रिलेशनशिप में हुआ करते थे। तुम दोनों की रिलेशनशिप बहुत ही पैशनेट थी। ये सब पैशन अब तुम्हारी लाइफ से मिसिंग है। जब मेरेडिथ वापस आए तो तुम बहुत ज्यादा गुस्सा थे। ये सब फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए तुम शाम में गए और उसे हरास किया। अगर तुम जो कह रहे हो वो सच होता तो घर जाकर अपनी वाइफ को कहते। टॉम कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वाइफ वरी करे। इसके बाद मेरेडिथ अपनी बात बताती है। वो कहती है कि जब वो ऑफिस में आया तो उसने कहा कि उसे याद है कि जब वो यंग थे, अपनी रिलेशनशिप के बारे में बात की, अपनी फैमिली की फोटोज दिखाए। उसने कहा कि वो अपनी वाइफ से खुश नहीं है। बात करते करते मेरे शोल्डर पर रब करना स्टार्ट कर दिया। ये ऑकवर्ड था पर फिर भी मैंने उसे करने दिया। मुझे जब कॉल आया तो अचानक से मुझे किस करना उसने स्टार्ट कर दिया। वो मेरे साथ इंटीमेट होने ही वाला था तो उसे लगा कि वो कुछ गलत कर रहा है। इसके बाद वो वहां से चला गया। अब इस सब इंसिडेंट के बारे में टॉम की लॉयर मेरेडिथ से बात करती है। वो कहती है कि टॉम जब ऑफिस में आया तो तुमने उसके लिए एक वाइन मंगवाई थी। ये वाइन आसपास कहीं भी नहीं मिलती, 500 माइल्स तक इसका कोई भी शॉप नहीं है। तुमने अपने असिस्टेंट को वाइन लाने के लिए कहा था। एक्चुअल में तुम्हें बहुत दिनों पहले ही पता था कि टॉम तुमसे मिलने वाला है तो उसकी फेवरेट वाइन तुमने लाकर रखी थी। मेरेडिथ कहती है कि सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, मेरे असिस्टेंट के पास घर पर एक वाइन थी तो वही वो लेकर आई। डिस्कशन का टाइम यही खत्म हो जाता है। यहाँ पर टॉम की वाइफ सुजैन ये सब सुन रही थी तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। वो टॉम से कहती है कि तुमने ये सब होने दिया, तुम्हें साइन मिल रहे थे, मेरेडिथ तुमसे फ्लर्ट कर रही है, तभी तुम्हें वहां से चले जाना चाहिए था। उसे सच और झूठ इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा। ऑफिस के बाद टॉम का बॉस उसे मिला। कहता है ये चीज बहुत ही आगे जा चुकी है, हमें जल्द से जल्द इसे सेटल करना पड़ेगा। जब ये सब हुआ तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। अगले दिन फिर से एक मीटिंग हुई और टॉम के साथ काम करने वाली उसकी कलीग को बुलाया जाता है। एक्चुअल में टॉम को एक आदत है, उसके हाथ में अगर पेपर हो तो इस पेपर से वो बम्पर मारता है। ये चीज वो अपने मेल कलीग और फीमेल कलीग इन दोनों के साथ करता है, पर इस फीमेल कलीग को ये बहुत ही गलत लगा था। इसी बारे में डिस्कशन होती है। इसमें ऑलरेडी ट्रेट्स है, ये हमेशा फीमेल्स को सेक्सुअली असॉल्ट करता है। ये सब डिस्कशन टॉम के खिलाफ जा रही थी। इसमें अगर प्रूव हो गया कि टॉम की ही गलती थी तो उसे सही से सेटलमेंट नहीं मिलेगी। इस मीटिंग के बाद लॉयर से इसी बारे में डिस्कशन चल रही थी। आज टॉम को फिर से ईमेल मिला है जिसमें लिखा है कि वो लोग तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, तुम अपना गेम दिखाओ। इन ईमेल्स के बारे में टॉम ने अपने लॉयर से कहा था तो कहती है कि ईमेल्स एक यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, जिस प्रोफेसर के कंप्यूटर से आ रहे हैं। ये प्रोफेसर जरा वैकेशन पर गया हुआ है। इसके बाद टॉम अपने मोबाइल पर मैसेजेस चेक कर रहा था। जिस रात वो मेरेडिथ के साथ था तो अपने एक कलीग को उसने कॉल किया था। कलीग वहां नहीं था तो उसके आंसरिंग मशीन पर मैसेज गया था। अब फिर से वो उस कलीग को कॉल लगाता है तो उसके आंसरिंग मशीन पर एक अलग सी आवाज है। उसने रियलाइज किया कि उस दिन उसने गलत नंबर डायल किया था। अपने रिकॉर्ड उसने देखे तो उसे पता चला कि उसके एक अलग से फ्रेंड को उसने मैसेज कर दिया था। जो भी मेरेडिथ और उसके बीच में हुआ था ये सब उस कॉल में रिकॉर्ड हो गया होगा। वो फिर अपने फ्रेंड को कॉल लगाता है। वो फिर अपने फ्रेंड से मिलकर उसे उसके मैसेजेस की कॉपी ले लेता है। टॉम के फ्रेंड ने मैसेज सुना था
पर उसे कांटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि टॉम बहुत ही बिजी था। नेक्स्ट डे मीटिंग में कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है। इस रिकॉर्डिंग से सबको साफ साफ पता चल जाता है टॉम ने मेरेडिथ को ना कहा था, उसे जबरदस्ती कर रही थी। इसे अब प्रूव हो गया कि टॉम इनोसेंट है तो उसे अच्छी खासी सेटलमेंट मिलती है, अपना जॉब भी उसे फिर से वापस मिल जाएगा। कंपनीज के मर्जर के बाद वो मेरेडिथ को भी जॉब से निकाल देंगे। डील पर टॉम साइन कर देता है और बहुत खुश था। उसे अचानक से फिर से एक ईमेल आया, इसमें लिखा था तुम्हें सेटअप किया जा रहा है, जैसी चीजें तुम्हें लग रही है वैसे नहीं है। टॉम फिर मेरेडिथ के ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ। मेरेडिथ और फिलिप्स में डिस्कशन चल रहा था जिसमें वो कह रहा था कि हम टॉम को इनकॉम्पिटेंट दिखाएंगे जिससे हम उसे फायर कर सकते हैं। टॉम ने खुद ने डील साइन की है तो इससे वो बाहर नहीं निकल सकता। कल सुबह उसका बहुत ही बड़ा प्रेजेंटेशन है, अगर उसने प्रेजेंटेशन सही से नहीं दिया तो उसे जॉब से निकालने वाले हैं। अब ड्राइव को लेकर जो भी प्रॉब्लम है ये टॉम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करनी पड़ेगी। वो कंपनी के सब फाइल चेक करना चाहता था पर उसे कुछ भी मिला नहीं क्योंकि उसे एक्सेस नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि उसके बॉस ने ऑलरेडी उसके सब एक्सेस निकाल लिए थे। टॉम फिर छुप कर अपने बॉस के रूम में आ जाता है। यहाँ पर उसने सब फाइल्स देखी। यहाँ से उसे पता चला कि मेरेडिथ की ऑर्डर की वजह से प्रोडक्शन की क्वालिटी डाउनग्रेड हो चुकी थी। इन सब फाइल्स में उसने एक वीडियो भी देखा जहाँ पर मेरेडिथ एक प्लांट मैनेजर से बात कर रही थी। इन सब बातों से टॉम को पता चला कि मेरेडिथ का पहले से प्लान था, टॉम को फंसा कर उसे फायर वो करने वाली थी। ये सब वो देख रहा था तभी मेरेडिथ सब कुछ फाइल डिलीट कर देती है। अब टॉम कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएगा। टॉम भी इसके बारे में बहुत सोचता है, उसके पास अब कुछ भी ऑप्शन नहीं था। उसने फिर अपने एक प्लांट मैनेजर को कॉल लगाया। ये वही प्लांट मैनेजर है जिसको टॉम ने मूवी के फर्स्ट में डिज्नीलैंड की टिकट भेजे थे। उसे क्लिक हुआ कि इस प्लांट में भी उसने सब कंपनीज की फाइल का बैकअप लिया था। अगले दिन अब सब लोगों के सामने टॉम अपना प्रेजेंटेशन देता है। मेरेडिथ उसे पूछती है कि ड्राइव को लेकर क्या प्रॉब्लम है। वो इसके बारे में सबको सच सच बताता है। दूसरी कंपनी ये सब सुनकर नाराज हो गई थी। वो कहते हैं कि ये सब कैसे हो सकता है। टॉम कहता है कि मेरेडिथ ने कॉस्ट को लो करने के लिए ये सब किया और सब कुछ कंपनी का घाटा हो गया। मेरेडिथ ये सब बातें डिनाई करती है तो टॉम ने सबको सबूत दिखा दिए। सब लोगों को सब कुछ सच सच पता चल गया तो मेरेडिथ अपना कंट्रोल लूज कर देती है। टॉम पर गुस्सा होकर कुछ भी बोलने लगती है तो उसे वहां से निकाल दिया जाता है। ये प्रेजेंटेशन सक्सेसफुली खत्म हो जाने के बाद टॉम जब फिर से ऑफिस में आया तो मेरेडिथ उसका वेट कर रही थी। वो कहती कि जो भी हुआ ऐसे मुझे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, अलग कंपनी में मुझे इससे भी अच्छी जॉब मिल जाएगी, मैं तुम्हें बर्बाद कर छोड़ूंगी। टॉम कहता है कि इस बार मैंने तुम्हें देख लिया, अगली बार भी देख ही लूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कंपनीज का मर्जर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की जॉब जो टॉम को मिलने वाली थी इसी के बारे में बॉस डिस्कशन करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि टॉम और उसकी कलीग जिसका नाम है स्टेफनी, इन दोनों में कॉम्पिटिशन था। इस पार्टी में स्टेफनी अपने बेटे के साथ है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। जब प्रमोशन की अनाउंसमेंट हुई तो स्टेफनी को प्रमोशन मिला। टॉम को फिर क्लिक हुआ और वो स्टेफनी की बेटे के साथ बात करता है। जो ईमेल टॉम को आ रहे थे ये उसी यूनिवर्सिटी से थे। टॉम उस प्रोफेसर का नाम स्टेफनी के बेटे को बताता है। स्टेफनी का बेटा कहता है कि मैं उनका ही असिस्टेंट हूँ, यानी कि जो भी लेटर टॉम को मिल रहे थे ये स्टेफनी खुद भेज रही थी। वो स्टाफ में सबसे सीनियर थी पर उसे कभी भी प्रमोशन नहीं मिला था। मेरेडिथ को उस जॉब से निकलवाने के लिए टॉम को स्टेफनी ने हेल्प की, फाइनली उसे प्रमोशन मिल गया। टॉम को भी इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्टेफनी डिजर्विंग थी, उसे जॉब मिलनी चाहिए थी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।